Hello guys, welcome back to our video and I hope the last whole week has been profitable for you guys. जो हम stocks दे रहे हैं, जो हम रोज Nifty and Bank Nifty के daily analysis post कर रहे with video and जो हम Telegram channel पे डाल रहे, so it is helping you guys throughout. Okay, so let's start. हम हमने last video में एक stock दिया, that is called, हमने तीन stock दिए थे, Gabriel, Better Switch Guys and Arvind. उसमें से देयर वाज वन स्टॉक गैब्रियल, उसने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया. हम कंटिन्यूसली उसमें अपडेट भी दे रहे थे टेलीग्राम चैनल पे. सो लेट्स गो, देख लेते हैं हमने कितने पे सजेस्ट किया था, कितने परसेंट रिटर्न्स मिले हमें इन 5 ट्रेडिंग सेशन, दैट इज इन 1 वीक. सो लेट्स गो इन गैब्रियल. आई थिंक हमने ब्रेकआउट के बाद सजेस्ट किया था, दैट इज अराउंड 242 या 248 पे सजेस्ट किया था. यस, 248 पे. सो 248 से अराउंड उसका हाई था फ्राइडे क्लोजिंग तक, इट वॉज अराउंड 315. ओके, सो ऑलमोस्ट वी गॉट 28% रिटर्न्स. हमने ये बोला था कि हमने तीन स्टॉक दिए, तीनों स्टॉक में वी हैव टोल्ड, वी हैव प्रॉमिस्ड कि तुम्हें 20-30% रिटर्न्स मिलेंगे. एक स्टॉक में तुम्हें ऑलरेडी अराउंड 20-30% रिटर्न्स मिल गए. सो कंग्रेचुलेशंस जिसने भी ये स्टॉक लिया. ओके, एंड हमें काफ़ी सारे मैसेज आए गैब्रियल के बारे में कि बहुत अच्छा स्टॉक पोस्ट किया था, बहुत लोग ने प्रॉफिट बुक किया इसमें. ओके, सो एक ही स्टॉक में हमें एक वीक में 30% रिटर्न्स मिल गए. So Better Switch Gear and Arvind still are very good stock. You guys can hold this. All stock were posted were for midterm. Okay, so कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, you guys can hold. So let's start with a new fresh stocks जो we can expect कि आने वाले वीक में, आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, दो स्टॉक्स है बजाज ट्विंस जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म दोनों में. ओके, सो लेट्स टॉक फर्स्टली अबाउट देम. ओके, सो फर्स्ट हम बात करते हैं बजाज ट्विंस की. लेट्स गो ऑन अ डेली चार्ट. फ्राइडे को बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, बहुत अच्छा कैंडलस्टिक बनी है. ओके, हमें इस पर एक मूविंग एवरेज, एक इंडिकेटर, इफ़ यू गाइस नो व्हाट इज मूविंग एवरेज, हम इस पर लगा देते हैं. ओके, हम 200 ईएमए लगा देते हैं, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. यू गाइस कैन सी उसने पहली बार यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छा मोमेंट आया. कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इतना अच्छा ठेल रहा है, 15% रिटर्न्स मिला. अगेन वहाँ पे ट्रेड कर रहा है, फ्राइडे को उसने ब्रेकआउट किया, सस्टेन भी किया उसके ऊपर. फ्राइडे को अराउंड 2.5% का रिटर्न्स दिया, टू एंड मूविंग एवरेज को थोड़ा विथ गुड वॉल्यूम्स. ओके, और एक और चीज़ कह सकते हैं कि यहाँ पे उसने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी दिया है, छोटा सा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, नॉट अ वेरी बिग. यहाँ पे देखो वेरी स्मॉल कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है. ओके, विथ गुड वॉल्यूम्स, अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, प्लस 200 ईएमए को ब्रेक किया है. ओके, सो शॉर्ट टर्म के लिए बजाज फिनसर्व, यू गाइस कैन कीप अ वॉच. इसका टारगेट्स भी देख लेते हैं, एकदम शॉर्ट टर्म टारगेट्स. फर्स्ट टारगेट इज माई 5,152, दैट इज वेरी स्मॉल टारगेट, दैट इज एक्जैक्टली 20 पॉइंट्स टारगेट. उसके बाद का टारगेट इज ये वाला जो हाई है उसका ये वाला पकड़ते हैं. अकॉर्डिंग टू माई प्राइस एक्शन स्टडी, तुम अपने हिसाब से भी टारगेट्स सेट कर सकते हो. सेफ प्लेयर्स कैन एंटर अबाउट दिस ब्रेकआउट, उसके बाद यू गाइस कैन क्रिएट अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस मूविंग एवरेज. ओके, दैट इज योर ओन चॉइस. ओके, सो दो टारगेट्स आई एम गिविंग यू, वन इज वेरी स्मॉल, दैट इज 1523. हम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर रहे थे, 1523 इज अराउंड 1%. ओके, नेक्स्ट टारगेट इज अराउंड 1670, दैट इज एक्जैक्टली 11%. ओके, सो 11% शॉर्ट टर्म है, इट्स वेरी गुड. ओके, तो बजाज फिनसर्व एक स्टॉक हो गया, बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली इस पर ध्यान रखो शॉर्ट टर्म के लिए. नेक्स्ट इज बजाज फिनसर्व, उसका ट्विंस भाई वन नंबर चार्ट पर आते हैं. वन नंबर चार्ट पर ब्यूटीफुल सेटअप बना है, मूविंग एवरेज भी उसने तोड़ा है, यहाँ पे सस्टेन किया ट्विंस मूविंग एवरेज वन नंबर चार्ट में, बट अभी मूविंग एवरेज को भूल जाता है अभी के लिए. लेट्स सी प्योरली ऑन प्राइस एक्शन. यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बना है, सॉर्ट ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स. लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग आते आते वहाँ से फिर से उसने रिजेक्शन लिया, एक्जैक्टली एट दिस पॉइंट उसने रिजेक्शन लिया. पहले भी यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, तो तीन बार यहाँ से ऑलरेडी उसने रिजेक्शन ले चुका है. ओके, अगर ये ब्रेक करता है वन आवर टाइम फ्रेम है, तो वन आवर टाइम फ्रेम में हमें ये टारगेट्स मिल रहा है, दैट इज अराउंड वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट्स, अराउंड 7381 हम राउंड फिगर लेते हैं, 7400, दैट इज अराउंड 2.5%. तो शॉर्ट टर्म में बजाज फाइनेंस यू गाइस कैन कीप वॉच ऑन, बहुत अच्छा स्टॉक है. ओके, उसके बाद अगर टारगेट्स अगर ये भी तोड़ रहा है 7382 के ऊपर, वन आवर का कैंडल सस्टेन कर रहा है विद गुड वॉल्यूम्स, तो नेक्स्ट टारगेट यू गाइस कैन कीप वॉच, थोड़ा बड़ा टारगेट हो जाएगा, बट दिस कैन बी अ नेक्स्ट टारगेट. अगर तुम्हें और बड़ा टारगेट चाहिए तो तुम मंडे में जा सकते हो, बट जो हमने शॉर्ट टर्म के टारगेट्स बताए तो उसके लिए पहले फोकस करेंगे हम. ओके, वन डे में भी लेट्स सी अगेन क्या चल रहा है. यहाँ से फॉल आया था, थोड़ा और वापस ऊपर मूवमेंट आया. लेट्स सी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, छोटा सा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस मार्क कर रहे थे. ओके, यहाँ से रिजेक्शन एग्जैक्टली देखो उसको सस्टेन करता है तो क्या होता है, बट हम पहले फोकस करेंगे हमारा वन आवर टाइम फ्रेम पे. ओके, बाद के बाद स्विंग ट्रेडिंग हम बात देखेंगे, शॉर्ट टर्म में हम जो 2-3% का टारगेट था वो पहले अचीव करेंगे. ओके, फिर लेट्स डिस्कस अबाउट जो आगे के टारगेट्स हो गए.
एक और स्टॉक है DCX इंडिया, इट इज़ ऑन रडार, बहुत अच्छा चला है, अराउंड फ्रॉम 263 ओके अब 300 पे आ गया। डेली चार्ट में बहुत अच्छा सेटअप हुआ है, कप एंड हैंडल बना है ओके। कप एंड हैंडल लेट्स सी कहाँ का, जब उससे लिस्ट हुआ था तब से वो आई थिंक नीचे ही जा रहा है, कंटिन्यू से नीचे गिरा, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, अगेन रिजेक्शन, एग्जैक्टली दिस पॉइंट पे अभी वो पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है ओके। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे, अगर तुम लोग देख सकते हो तो, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी बनाया है, वॉल्यूम्स भी अच्छे आए हैं लास्ट डे पे ओके। तो इफ इट इज सस्टेनिंग अबाउट 300 और 3110 वी आर गेटिंग अ गुड टारगेट, चूंकि ऑल टाइम हाई पे है अभी ओके, इट इज़ नियर ऑल टाइम हाई, तो हमें टारगेट्स दिखने रही है, तो हम एज यूजुअल पाइवट पॉइंट्स यूज करेंगे फॉर टारगेट्स ओके। सो फर्स्ट टारगेट हमें दिख रहा है दैट इज अराउंड 309, दैट इज वेरी स्मॉल टारगेट, आई थिंक गैप अप ओपन ही हो जाएगा अगर मार्केट सपोर्ट कर रहा है तो। आफ्टर दैट 333 इज अ नेक्स्ट टारगेट, तो हम 333 फर्स्ट टारगेट रखेंगे ओके। 333 पे हम परसेंटेज देख लेते हैं यहाँ से, दैट इज अराउंड 11%, डेफिनेटली गुड, वेरी गुड, तो 11% इन शॉर्ट टर्म DCX इंडिया में कीप अ वॉच, अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं अगर 310 के ऊपर सस्टेन करता है तो। तो कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, पाइवट पॉइंट का जो R1 है उसको भी सस्टेन कर लेगा, वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छा है फ्राइडे क्लोजिंग के टाइम पे ओके। तो 333 इज द फर्स्ट टारगेट, आने वाले टाइम पे अगर 333 भी पे के ऊपर भी सस्टेन करता है तो 362 इज द नेक्स्ट टारगेट, पर 362 थोड़ा सा बड़ा टारगेट हो जाएगा क्योंकि हम अभी शॉर्ट टर्म के लिए डिस्कस कर रहे हैं ओके। तो फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 333-335 ओके। नेक्स्ट इज पराग मिल्क, पराग मिल्क में भी फ्राइडे और थर्सडे अच्छा मोमेंटम आया था, वीकली चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है इसका, लेट्स गो ऑन अ वीकली चार्ट, सुपर सेटअप, गुड वॉल्यूम्स, गुड कैंडलस्टिक, एवरीथिंग इज वेरी गुड इन पराग मिल्क। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था बहुत बार, यहाँ से रिजेक्शन लिया फर्स्ट टाइम, अगेन एट दिस लेवल यहाँ पे लिया, फिर से यहाँ पे लिया, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया ओके, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट एंड अगेन बूम। तो पराग मिल्क ने बहुत अच्छा सेटअप है, ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट का सेटअप है, एग्जैक्टली रीटेस्ट जब अच्छा कैंडल बना लास्ट वीक उसने अराउंड 20% रिटर्न दिया विद गुड वॉल्यूम्स ओके। तो नाउ प्राइस इज 203, नेक्स्ट टारगेट एज अ प्राइस एक्शन को देख के वी आर टारगेटिंग कि उसका 267 नेक्स्ट टारगेट बन सकता है इन वेरी शॉर्ट टर्म ओके। भले ये वीकली चार्ट है बट स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग कि दो तीन वीक में वी कैन गेट 267 का लेवल्स, दैट इज अराउंड 230% ओके। तो 30% इज अ वेरी बिग थिंग इन 2-3 weeks ओके। सो कीप अ वॉच ऑन पराग मिल्क, हम ये नहीं कर रहे कि ये जाएगा ही जाएगा 30-20%, ये मार्केट तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट इज सुप्रीम, इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, तो एनीथिंग कैन हैपन। हम जो स्टडी कर रहे हैं आपको बता रहे हैं, बिफोर इन्वेस्टिंग डू योर ओन स्टडी ओके, पूरे तुम्हें किसी पर भी रिलायबल नहीं होना है। द नेक्स्ट इज ग्रीन पैनल, इसका भी वीकली चार्ट बहुत अच्छा है, आई थिंक हमने पहले दो स्टॉक्स डिस्कस किए थे, गुजरात फ्लोरोकैम एक और स्टॉक था जिसमें सेम सेटअप था, सेम सेटअप है यहाँ पे भी ग्रीन पैनल में भी, सपोर्ट से बार बार देखो यहाँ पे बाउंस हुआ, अगेन यहाँ पे, फिर यहाँ पे बाउंस हुआ, यहाँ पे भी बाउंस हुआ ओके। तो अच्छा मोमेंटम बन रहा है, प्लस यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है उसका भी ब्रेकआउट हुआ है, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, आई कैन से ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट ओके फ्रॉम एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट ओके। एक और अगर तुम्हें प्राइस पैटर्न अच्छे से आती है तो यहाँ पे एक छोटा सा कप एंड हैंडल भी बन रहा है, मैं तुम्हें मार्क करके दिखा देता हूँ, कप एंड हैंडल भी यहाँ पे छोटा सा बन रहा है, दिस इज माई कप एंड द नेक्स्ट थिंग इज माई हैंडल ओके। तो इसका भी ब्रेकआउट आ जाएगा, तो वी आर गेटिंग 2-3 कन्फर्मेशन, पहले तो जो ये सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है ट्रेंड लाइन सपोर्ट, वहाँ से बार बार बाउंस कर रहा है, एक छोटे से रेजिस्टेंस को भी तोड़ रहा है ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, फिर छोटा सा कप एंड हैंडल है उसको भी तोड़ रहा है विद गुड वॉल्यूम्स। तो ग्रीन पैनल इज ऑल्सो वेरी गुड स्टॉक, इसके भी टारगेट्स हम देख लेते हैं, फर्स्ट टारगेट दिख रहा है हमें 404 का, अकॉर्डिंग टू माई प्राइस एक्शन स्टडी, यू गाइस कैन डू योर ओन स्टडी और टारगेट इन स्टॉक लॉस ओके। 367 से 404, नेक्स्ट टारगेट इज एग्जैक्टली दिस पॉइंट, जहाँ से आई थिंक फेक ब्रेकआउट आया था यहाँ पे, ब्रेकआउट आया बट नीचे आ गया, सेलर्स ट्रेंड दिखा दिया, तो दिस इज द नेक्स्ट टारगेट दैट इज 463। तो शॉर्ट टर्म में दिस टारगेट्स हम रख सकते हैं, फर्स्ट टारगेट हमारा ये था 9% ओके ग्रेट, सेकेंड इज अराउंड 460 दैट इज 24-25%। ग्रीन पैनल इज ऑल्सो अनदर स्टॉक जिसमें हम एटलीस्ट 10-20% रिटर्न एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ओके, प्लस उसमें अच्छे वॉल्यूम्स भी है, तो कीप अ वॉच ऑन दिस, सारे स्टॉक्स मैंने बताए, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ग्रीन पैनल ओके, पराग मिल्क, गैब्रियल तुमने बता दिया, DCX इंडिया ओके, कीप अ वॉच ऑन ऑल दिस सेक्टर ओके। एंड
तुम्हें कोई स्टॉक लग रहा है जो तुम्हारे हिसाब से ब्रेकआउट पे है ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट और ब्रेकआउट हो चुका है, तो हमें तुम अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। किसी को भी लग रहा है यू गाइस कमेंट ऑन अवर वीडियो, डिस्कस करेंगे, जो भी अच्छा स्टॉक लगेगा हम वो पोस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि कुछ नया लेके आए हमारे ऑडियंस के लिए, एंड आने वाले टाइम में बहुत सारे अच्छे एजुकेशन पर्पज वीडियो लेके आने वाले हैं। So keep waiting for that. Thank you so much for watching our video.